प्यारे छात्र एवं छात्राओं, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, अंतर विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में बोले थे कि हम लोग अगले क्लास में क्या कर पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र। और पिछले क्लास में हम लोग दूरी सूत्र का क्या किए थे, फॉर्मूला निकाले थे। ठीक है, और उसको कैसे सोल्यूशन करते हैं ये भी सीखे थे। ठीक है, इस क्लास में क्या करेंगे, अंतर विभाजन पढ़ेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है और इसका सोल्यूशन भी करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेंगे अपने मन से और उसका क्या करेंगे, किस तरह से सोल्यूशन होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ये क्या हमारा फिगर है। ठीक है, जैसे दो बिंदु क्या हो हमें ज्ञात हो। ठीक है, एक्स वन अति सॉरी ए बिंदु और बी बिंदु क्या है, ज्ञात है। अब मान लो कि इसको दो हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, जिसका हम हमें रेशियो क्या है पता है, ए एम बाई एन रेशियो में क्या किया गया, बांटा गया। ठीक है, मान के चलो कि इसका रेशियो है क्या, एम बाई क्या है, एन है। ठीक है, एम बाई एन रेशियो में बांटा गया। तो इसका जो विभाजन सूत्र मतलब फॉर्मूला है, ठीक है, अंतर विभाजन सूत्र फॉर्मूला क्या आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे और फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे ये देखो रेड लाइन से क्या दर्शाया गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो पी बिंदु है, जैसे ये क्या है, ये भी क्या है, कोई रेखाखंड है जिसको पी, ठीक है, पी बिंदु, ठीक है, पी बिंदु, ठीक है, पी बिंदु, इसको मान लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, पी बिंदु पर क्या कहते हैं, कुछ रेशियो में बांटती है। ठीक है, इसको दो अति रेशियो में बांटती है जिसका रेशियो क्या है, एम और एन है। ठीक है, तो इस पी बिंदु का क्या कहता है, हमको निर्देशांक ज्यामिति ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए क्या है, एक सूत्र है अंतर विभाजन सूत्र। कैसे इसका प्रयोग करेंगे, इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे फॉर्मूला का, उसके बाद क्या करेंगे, अपने मन से एग्जाम्पल लेंगे और इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और प्रूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राफ है। ठीक है, इसको जो दर्शाया गया पी बिंदु, ये क्या है, अंतर विभाजन बांटा गया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस से क्या करते हैं, लंबवत क्या करते हैं, ड्रा कर देते हैं। ठीक है, मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक दूरी क्या है, एक्स वन है। ठीक है, यहाँ तक दूरी हमारा क्या है, एक्स वन है। और ठीक यहाँ तक दूरी है जो हमारा क्या है, एक्स टू है। ठीक है, सेम उसी तरह इसमें भी क्या है, यहाँ तक दूरी हमारा क्या है, बाई वन है। ठीक है, यहाँ तक दूरी और यहाँ तक जो दूरी है हमारा क्या है, बाई टू है। ठीक है, मान लो यहाँ तक दूरी क्या है, बाई टू है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस पी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, कैसे निकालेंगे। चलिए ध्यान से क्या करते हैं, तो यहाँ से देखो वही लिखे हैं कि ए आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए आर बराबर क्या हो जाएगा, ए आर कहाँ दिख रहा है, ए और आर। ठीक है, ए का जो निर्देशांक है एक्स एक्सिस क्या है, एक्स वन, और आर बिंदु का तो पता नहीं है। ठीक है, ये हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ऐसा करते हैं, ठीक है, हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इस बिंदु का हम क्या माने, एक्स और वाई माने। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को क्या करना है, हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इसको क्या करते हैं, ब्लू पेंसिल दर्शाते हैं, ए और आर। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ तक क्या है, एक्स माने इसको। ठीक है, यहाँ तक एक लिख लो, यहाँ तक क्या है, एक्स डिस्टेंस है। तो इस एक्स में से क्या करते हैं, एक्स वन को घटा देते हैं। इस एक्स में से यहाँ तक पूरा क्या है, एक्स है, इसमें से क्या करते हैं, एक्स वन को गायब कर देते हैं। तो यहाँ से एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं, एक्स वन लिख सकते हैं। पी आर बराबर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, पी आर, पी कहाँ दिख रहा है, पी यहाँ हो जाएगा आर, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस तो यहाँ तक क्या है, बाई है। ठीक है, यहाँ तक जो डिस्टेंस है हमारा क्या है, बाई है। ठीक है, यहाँ इसको क्या माने, एक्स और बाई माने। तो यहाँ तक जो डिस्टेंस है हमारा क्या है, बाई में से क्या करते हैं, ये जो यहाँ तक एक्स वन है, ठीक है, सॉरी बाई वन है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, बाई में से क्या करते हैं, इस बाई वन को घटा देते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही निकाल रहे हैं, बाई माने से बाई वन। ए पी हमारा क्या है, एम रेशियो में बांटे, ए से पी एम रेशियो में, और इसी तरह पी भी क्या हो जाएगा, एन एम और एन रेशियो मान लें। ठीक है, तो यहाँ से पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी एस कहाँ दिख रहा है, पी और एस, तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि एक्स टू में से क्या करेंगे, एक्स टू में से क्या करते हैं, हम एक्स को हटा देते हैं। ठीक है, एक्स टू में से एक्स हटा देंगे और बी एस बराबर क्या हो जाएगा, बाई टू में से बाई वन घटा देंगे। ठीक है, बाई टू में से क्या करें, बाई वन, तो हमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। कहाँ है, देखो बी एस, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना कि अब एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, सॉरी दो ट्राइंगल दिख रहा होगा, ए पी आर और पी बी एस, ए पी आर और पी बी एस। ठीक है, दो ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, समरूप है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या है, समरूप है। समरूप क्या होता है, जैसे आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज में हम लोग पढ़ाएंगे समरूप। ठीक है, अब जो बच्चे नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे समरूप का कभी ना कभी तो क्या करें, चैप्टर उलट के देखेंगे, कभी ना कभी बुक उलट के देखेंगे, ज़िंदगी में कहीं ना कभी एक बार ना एक बार कभी ना कभी पढ़े होंगे।
अभी नहीं पढ़े हैं तो पिछले क्लास में पढ़े होंगे, 8 क्लास में पढ़े होंगे, 7 क्लास में पढ़े होंगे। तो समरूप की कहानी क्या होता है, ठीक है? तो समरूप कहता है क्या कि सब चीज़ हमारे पास क्या होता है, सेम ही होता है। मतलब आप जैसे हैं वैसे हम भी हैं, ठीक है? फ़र्क क्या होता है, साइज का क्या होता है, फ़र्क होता है, ठीक है? आज कोई बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन जितना भी मतलब स्ट्रक्चर है वो सब सेम ही होगा, ठीक है? जैसे हम बताए थे कि ये हमारा क्या त्रिभुज है, ठीक है? इसको भी क्या बोलेंगे, त्रिभुज ही बोलेंगे। इसको भी बोलेंगे क्या, त्रिभुज ही बोलेंगे। सब हमारा क्या त्रिभुज ही है, ठीक है? जैसे सर्कल लेंगे तो ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी क्या है, सर्कल। लेकिन साइज का क्या होता है, सिर्फ डिफरेंस होता है, ठीक है? तो बाकी समझ गए होंगे समरूप का कहानी क्या होगा। जैसे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही होता है समरूप। और जो बच्चे नहीं किए यदि जानना चाहते हैं ज़्यादा, तो त्रिभुज क्लास कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 से 6 मिनट का क्लास है, 10 मिनट का। चलिए तो अब यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है? तो ए आर बराबर क्या, माने ए आर बराबर हमारा क्या है, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है? पी एस सॉरी पी एस बराबर क्या है, एक्स टू माइनस क्या हो जाएगा, एक्स है खाली, इक्वल टू, इक्वल टू पी आर बराबर क्या है, सॉरी यहाँ तो बता दें, ठीक है? क्या ट्राइंगल ए पी आर में क्या पी वी एस, ठीक है? तो इसमें से क्या करते हैं, ए पी मानते ए आर मानते हैं, तो यहाँ से ए और आर, तो यहाँ से पी और एस मानना पड़ेगा, ठीक है? उस तरह इक्वल करते हैं हम क्या पी और आर को, पी आर कहाँ है, पी आर, तो इसमें ले करना पड़ेगा बी एस, ठीक है? तो यहाँ से पी आर लिए हैं, तो यहाँ से बी एस, ठीक है? ए पी आर बी एस, और यहाँ से लिए हैं ए पी, ठीक है? तो यहाँ से लेना पड़ेगा पी और बी, ठीक है? देखो क्या हो जाएगा, ए और पी, तो यहाँ से पी भी हो जाएगा, ठीक है? समझ गए। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है? वैल्यू यहाँ देखो पी आर, पी आर बराबर क्या है, बाई माइनस क्या हो जाएगा, बाई वन, और यहाँ से बी एस, बी एस बराबर क्या है, बाई टू माइनस बाई वन, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, ए पी बराबर क्या है, एम माने स्मॉल एम, और पी वी बराबर क्या है, स्मॉल एम, ठीक है? अब यहाँ से क्या करते हैं, अब देखो तीनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है? तो पहले हम क्या करते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं, आपस में बराबर करते हैं, ठीक है? इसको और इसको क्या करो, आपस में बराबर करो, ठीक है? तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स, ठीक है? मान लेते हैं एम बाई ए, ठीक है? और इसको अब इसको और इसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है? एंड लिख लो यहाँ पर, ठीक है? यहाँ से क्या बाई माइनस बाई वन, और बाई टू माइनस बाई वन, एम बाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है? चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करो, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, और यहाँ से बायो निकालते हैं, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, तिरछा तिरछी क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है? और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसके साथ गुना और ये इसके साथ, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत, एक्स माइनस क्या एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स, ठीक है? यहाँ से क्या हो जाएगा, गुना करो इसको, ऐसा करते हैं गुना करते हैं, ठीक है? एन एक्स माइनस एन एक्स वन, यहाँ से एम एक्स टू माइनस का क्या हो जाएगा, एम एक्स, ठीक है? यहाँ से क्या करते हैं, इस एन एक्स वन को क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं, और एम एक्स को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। तो एन एक्स ये माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा एम एक्स, और ये इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो एम एक्स टू और ये प्लस एन एक्स वन, ठीक है? यहाँ से क्या करो, एक्स कॉमन ले लो, और कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, एम प्लस के एन बचेगा, इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है? अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है? अब यहाँ करते हैं, एक्स को इधर ही रहने दो, ठीक है? एक्स को क्या करते हैं, इधर ही रहने देते हैं, और क्या करते हैं, इस एम प्लस एन को उधर भेज देते हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस, और यहाँ से एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, ये तो हमारा आ गया एक्स, एक्स का निर्देशांक मिल गया। अब यहाँ से बाई का निर्देशांक निकालते हैं, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एन एन इंटू क्या हो जाएगा, बाई माइनस बाई एन बाई वन, ठीक है? एन बाई वन डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, सेम इसको गुना करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम बाई टू माइनस एम बाई वन, ठीक है? एम बाई टू माइनस बाई वन, यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, ठीक है? यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ बाई टू माइनस बाई वन, और यहाँ क्या करो, यहाँ बाई कर लो, ठीक है? चलो ठीक है, यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा,
अब मल्टीप्लाई होने पर ये हो जाएगा बाई टू माइनस बाई। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से देखो बी एस बराबर क्या होगा। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक क्या है बाई टू है, तो बाई टू में से और ये डिस्टेंस क्या है बाई वन है, तो बाई टू में से बाई घटाना पड़ेगा तब ना आएगा। ठीक है, तो बाई टू माइनस बाई होगा ना, बाई वन लिखा गया तो कोई बात नहीं। चलो आगे देखो, आगे ध्यान से देखो। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं कि इस बाई को इधर ही रहने जाओ और एम बाई को इधर लेके आओ, तो यहाँ से एन बाई और ये माइनस के तो प्लस के एम बाई, और इधर माइनस में तो उधर जाएगा प्लस के, तो एम बाई टू प्लस के क्या हो जाएगा एन बाई वन। ठीक है, ऐसा करते हैं इधर से ए बाई रहने दो, एन प्लस क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, और इधर से एम बाई टू प्लस के एन बाई वन, और यहाँ से क्या हो जाएगा बाई बराबर क्या लिख सकते हैं। ठीक है, बाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर को इसको क्या करो उस तरफ भेजो। ठीक है, तो एम बाई टू प्लस के एन बाई वन, और इधर हो जाएगा एन प्लस एम। ठीक है, तो क्या पता चल गया, एक्स पता चल गया और वाई भी पता चल गया। ठीक है, एक्स का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम, एम और एन का वैल्यू रखना है, एक्स वन और एक्स वन एक्स टू का वैल्यू पुट करना है, उसी तरह से वाई में क्या वाई वन वाई टू और एम और एन का क्या करना है वैल्यू पुट करना है, और हमें वहाँ से एक्स और वाई का क्या हो जाएगा निर्देशांक पता चल जाएगा। ठीक है, वाई का क्या हो जाएगा निर्देशांक पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को देख लीजिए की तरफ। ठीक है, मान लो कि ये हमारा क्या क्वेश्चन है जिसको 6/4 रेशियो में क्या करता है डिवाइड करता है, और जहाँ से एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू का वैल्यू हमें क्या है ज्ञात है। ठीक है, तो हम लोग कैसे अंतर विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगा के एक्स और वाई का क्या करेगा पता करेगा। ठीक है, निर्देशांक, तो यहाँ से एक्स इसी पर क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, तो एम एम का जो क्या है रेशियो क्या है 6। ठीक है, एम बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू इंटू में क्या है एक्स टू, एक्स टू का वैल्यू कितना है ध्यान से देखो 3 × 3 हो जाएगा, प्लस के एन एन का रेशियो क्या है 4 है, तो 4 × क्या हो जाएगा एक्स वन का वैल्यू रखो 2 और क्या हो जाएगा 6+4। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 × 8 कितना हो जाएगा 18 × 8 हो जाएगा 26, 26 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो इसका जो हमारा निर्देशांक कितना है 2.6। ठीक है, दशमलव में आया, या फिर आप लोग क्या बट्टा में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसी तरह से बाई बराबर लिखें, तो बाई का वैल्यू क्या थी पुट करो। ठीक है, तो यहाँ से बाई बराबर क्या है देखो, बाई बराबर एम इंटू बाई टू, एम एम का क्या है एम है 6 इंटू बाई टू कितना है, बाई टू हमारा क्या है 4 है, प्लस के क्या है एन एन बराबर कितना है एम एन एन बराबर कितना है 4 × 4। ठीक है, 4 × 4 नीचे क्या हो जाएगा एम प्लस एन, एम प्लस एन कितना आया 10 आया है, तो एम प्लस एन क्या हो जाएगा 10, 10 लिख देते हैं 6+n + m क्या है 6+4। ठीक है, एन प्लस एम कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 × 24, 24 और 16, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 × 4 = 10, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 40/10 कितना आया 4। बाई का जो निर्देशांक है क्या है 4, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या। ठीक है, यहाँ से एक्स और वाई का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का निर्देशांक लिख सकते हो कितना है हमारा, देखो एक्स बराबर कितना है, सबसे पहले एक्स का लिखते हैं, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2.6, और वाई बराबर कितना आया 4, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स और वाई का निर्देशांक। ठीक है, उम्मीद है कि यह क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस क्लास को क्या करते हैं यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बाह्य विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, ठीक इसी सेम प्रोसेस से क्या करेंगे निकालेंगे और वहां भी क्या करेंगे सत्यापित करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।